गुड मॉर्निंग क्लास। सो चलिए, लास्ट क्लास सारी बातें हो गई थी, अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर मतलब वो मेटल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी क्विकली नहीं। कोरोजन कैसे होता है? स्लोली होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा भी था, पिछले चैप्टर में था शायद। हाँ, कैसे नेचर होता है इसका? वेरी ग्रेजुअली, बहुत ही धीरे धीरे ये मेटल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो जो भी एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, यानी कि अगर वो किसी मेटल्स के कॉन्टैक्ट में रख दिए गए तो वो धीरे धीरे उस मेटल को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देंगे। देखिए कैसे। द मिनरल एसिड्स कॉज। मिनरल एसिड्स कौन होते हैं? हाँ, जो अर्थ से मिलते हैं या जो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, द मिनरल एसिड्स कॉज सीवर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरोजिव। हाँ, हम एसिड्स को कोरोजिव क्यों कहते हैं? ये उसका आंसर है। एसिड्स को कोरोसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सीवर बर्न, सीवर का मतलब बहुत ही सीरियस, ज़्यादा मात्रा में अगर आपकी बॉडी पे गिर गया तो आपके बॉडी पार्ट्स को जला देता है, वो भी थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा जला देता है। ध्यान रहे, मिनरल एसिड्स यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात हो रही है। और क्या करता है? बहुत सारे मटेरियल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। ईटअप मतलब खुद खाता थोड़ी है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। कौन कौन से मटेरियल? जैसे क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, मेटल हो गया, मेटल के स्ट्रक्चर्स हो गए, यानी कि कोई भी मेटल के स्टैचू हो, मेटल्स के आप ये कह सकते हैं डोर्स हो, यानी कि मेटल्स के जितने भी ऑब्जेक्ट बने होंगे सब, एंड स्टोन वर्क। हाँ, ये स्टोन वर्क को भी डिस्ट्रॉय करता है। आपने हमेशा सुना होगा ना, एसिड रेन की वजह से जो हमारा ताजमहल है उसकी जो साइन है उसमें इफेक्ट आ रहा है, वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है, यानी उसकी साइन धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मतलब एसिड स्टोन्स पे भी अपना इफेक्ट छोड़ता है, क्योंकि वो मार्बल से बना हुआ है। हाँ, तो उसे भी ये क्या करते हैं? कोरोड करते हैं, यानी कि उससे भी डिस्ट्रॉय करते हैं। सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? कोरोसिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स एक्सीडेंटली ऑन स्किन, क्लोथ्स और वुड, इट कॉजेस सीवर बर्न्स ऑन द स्किन, इट कट्स होल्स इन द क्लॉथ्स एंड बर्न्स द वुड, प्रोड्यूसिंग ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स सरफेस। देखिए, अगर बाई चांस मिस्टेक से ही स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कंसनट्रेटेड एसिड आपके ऊपर गिर जाए तो आपको जला देता है। दूसरी चीज, अगर ये लकड़ी के ऊपर गिर जाए तो लकड़ी को भी डिस्ट्रॉय करता है, कपड़े के ऊपर गिर जाए तो कपड़े को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि बहुत ही डेंजरस होता है। और ये जो इसका नेचर है डिस्ट्रॉय करने का, इसी नेचर को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव नेचर, यानी कि कोरोजन कहते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक बस लिखेंगे ये सब नहीं। नहीं, ऑल थ्री कॉमन मिनरल एसिड्स, जो भी तीन ज़्यादातर यूज होने वाले मिनरल एसिड्स हैं, कौन कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दे आर वेरी कोरोसिव इन नेचर इन देयर कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड मतलब जब वाटर के अमाउंट बिल्कुल ही कम है, ठीक है, यानी कि वो वीक नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, उस केस में सबसे ज़्यादा कोरोसिव यही तीनों होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज एसिड्स इन लेबोरेटरी। लैब में आपके ये सारे एसिड्स हैं, जब भी आपको टर्म आपका आए, आपको मौका मिले या कहीं भी हो आप, तो आपको लैब में जो भी केमिकल्स हैं, स्पेशली ये जो तीन एसिड्स हैं, इनके साथ बहुत ही सावधानी से आपको पेश आना होगा। क्लियर है? एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। हाँ, एसिड्स कभी भी मेटल्स के कंटेनर में नहीं रखे जाते। क्यों? अभी पीछे तो पढ़े थे हम लोग, क्योंकि ये मेटल्स को कोरोड करते हैं। हाँ, उसको क्या बनाते हैं? मेटल्स कार्बोनेट यानी सॉल्ट और वाटर, बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। वो धीरे 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 करके पूरे मेटल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो फिर आपने जब भी लैब गए होंगे, आपने कभी देखा वहां पे मेटल से कुछ भी नहीं मिलता आपको? 90% चीजें किसकी मिलती है? ग्लास की। क्यों? क्योंकि मेटल्स ग्लास के साथ रिएक्शन, नॉट मेटल्स, एसिड्स ग्लास के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, यानी कि वो ग्लास को करोड़ नहीं कर पाते हैं।
एसिड्स आर स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड ऑफ ग्लास एंड सेरेमिक्स बिकॉज दे आर नॉट अटैक्ड बाई एसिड्स, क्योंकि उन पे एसिड्स का कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी कि अगर आप एसिड लेके ग्लास या सेरेमिक मटेरियल के सामान को, चाहे सेरेमिक मतलब चीनी मिट्टी का, हाँ जो मिट्टी होती है ना इस अलग क्वालिटी की, उसी को बोलते हैं सेरेमिक्स, उनकी चीज़ों पे एसिड अटैक कराएं तो वो उसको करोड नहीं कर पाता है। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट इज गिवन दैट इन एडिशन टू कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स द स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर ऑल्सो वेरी कोरोसिव। सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स ही नहीं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस भी है जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस दिस इज ऑल्सो वेरी कोरोसिव इन नेचर। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिड्स ही कोरोसिव होते हैं, हाँ कुछ बेस भी हैं जो इसमें कि सबसे ज्यादा कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन ऑर्डर टू वार्म पीपल अबाउट द डेंजरस कोरोजिव नेचर ऑफ मिनरल एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस अ हैजार्ड वार्निंग सिंबल इज यूजुअली प्रिंटेड ऑन देयर कंटेनर्स। जब भी ये चीज़ें खरीद के आती हैं कहीं से, ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, तो उस पर खतरे का सिंबल बनाया जाता है। देखिए ये वार्निंग है, ये क्या दिखा रहा है कि देखिए इसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर गिर रही हैं, गिरने के बाद ये तो पहले कंप्लीट एक बॉक्स रहा होगा, जैसे जैसे ये गिर रही है ये देखिए यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया। उसी तरह अगर ये आपके हैंड पे गिरा तो आपके हैंड को भी डिस्ट्रॉय करेगा। इसका मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि इस कंटेनर में जो कुछ भी है दैट इज वेरी डेंजरस एंड कोरोजिव, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग। इसको यूज करते वक्त, यहाँ से वहाँ ले जाते वक्त, ट्रांसपोर्ट करते वक्त, या फिर बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में उलटते वक्त आपको बिल्कुल ही केयरफुल रहने की जरूरत है। वी कैन सी सच हजार्ड वार्निंग साइंस ऑन द कैंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बॉटल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एक्सेट्रा। पैलेट्स का मतलब सॉलिड फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें लैब में मिलता है ना वो सॉलिड टैबलेट का फॉर्म में मिलता है, हम उसको एक्वस बनाते हैं यानी कि वाटर में मिक्स करके एक्वस बना लेते हैं, सही है। तो इनके कंटेनर पर जिस डब्बे में ये आते हैं ना उस पर यह हजार्ड सिंबल बना हुआ मिलता है। द हैजार्ड वार्निंग शोज दैट दीज केमिकल्स अटैक लिविंग टिश्यूज लाइक स्किन। हाँ इतना तो आपको पता ही, बायोलॉजी में इतना सिखाया जाता है ना, सेल्स ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो अगर ये गिर गए तो हमारे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड वुड एक्सेट्रा। इससे क्या होगा, हाँ लकड़ी पे किसी भी मेटल पे अगर गिरते हैं तो उसको कोरोड करके उसको नुकसान पहुँचाते ही हैं। The hazard warning sign tells the people to be careful and protect themselves from these dangerous chemicals. ये जो hazard symbols होते हैं, खतरे के जो symbol बनी रहती है sign, वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको warn कर सके, आपको बता सके कि ये chemical बहुत ही dangerous है, be careful while using it. चलिए हमारे पास एक छोटा सा question है, आइए question discuss करते हैं। क्या दिया है, metal compound A, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है जिसका नाम है ए, डेट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरविसेंस द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ठीक है, कोई एक मेटल है जिसका नाम ए है, वही हमें बताना है। ठीक है, जब वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो उससे गैस निकलती है, जो गैस क्या करती है, बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। यानी कि उस गैस का नेचर आपको दिया जा रहा है, दैट गैस डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। हाँ अगर उससे आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, किसे, कंपाउंड के रिएक्शन के बाद आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, तो बताइए उस रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल सा होता है, देखिए सोल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए। क्या दे रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होगा, यानी कि HCl आप एक्वस में लेंगे। आपको नहीं पता वो मेटल क्या है, आपने A लिख दिया, कंपाउंड आपको दिया है, आप बताइए कि वो गैस कौन सी होगी। हाँ दैट गैस विल बी हाइड्रोजन गैस। वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, जिसकी वजह से
अब हमें ये बताइए यहाँ पर और क्या मिल रहा है हमें, कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है क्या? देखिए एक बार क्या दिया क्वेश्चन में, इट फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड, राइट। तो देखिए और एक जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो बहुत सिंपल है, देखिए कैल्शियम क्या है, मेटल, क्लोरीन क्या है, हाँ नॉन मेटल। तो बताइए ये क्या है हमारा, एक टाइप का सॉल्ट है, एक्वस फॉर्म में मिलेगा हमें। तो बस अब देख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पे किसका रिएक्शन करा सकते हैं आप, एक तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी रिएक्शन करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर आप हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे तो भी आपको कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का कराएंगे तो भी। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का ही करके चेक कर लेते हैं। देखिए HCl एक्वस रिएक्ट्स विथ, इस एक जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में गिव्स अस। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ, ठीक है, और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। देखिए ये एसिड है, ये मेटल कार्बोनेट है, तो रिएक्शन याद है आपको क्या होता है। हाँ तो आप एक बार इसको ट्राई करिए, प्रोडक्ट आपके सामने दिया हुआ है, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड कर लिया आपने। देखिए अब हमारे पास HCl और कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन लिखा है, चलिए इनको रिएक्शन कराइए। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। देखिए कैल्शियम पे प्लस टू चार्ज आता है और क्लोरीन पे सिंगल माइनस, तो ये कंबाइन होंगे CaCl2 बनाएगा प्लस। और देखिए क्या बन जाएगा, हाँ हमने एक चीज़ सीख रखा है, जब भी हमें कार्बोनेट मिलता है यहाँ पे एक्स से जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो हमें क्या मिलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और क्या मिलता है, हाँ वाटर मिलता है। तो देखिए वाटर कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से, तो हमने यहाँ लिख दिया H2O, यहाँ तक सही है। अब कुछ ये ध्यान रखेंगे, इसमें देखिए आपको हाइड्रोजन गैस कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो क्या और भी कोई गैस हो सकती है जो फायर को सपोर्ट नहीं करती है, हाँ कौन है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, यानी कि ये भी गैस हम अपने यूज कर सकते हैं, तो हमें हाइड्रोजन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमेशा सॉल्यूशन यानी कि एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप इसको सॉलिड फॉर्म में कभी भी नहीं पा सकते। तो क्या हम इसको यहाँ यूज कर पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे ना, हमें यूज करने के लिए सॉलिड फॉर्म में चाहिए तभी तो यूज करेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा गायब, एक ही ऑप्शन बचा कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा जो हमने हाइड्रोजन गैस के बारे में डिस्कस किया था वो यहाँ नहीं मिल रहा है, तो इसको हम किसे रिप्लेस कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, कौन सा है वो, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देखिए HCl रिएक्ट्स विथ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O। पहली कंडीशन ये थी कि जो गैस निकलेगी वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया बिना हाइड्रोजन के ही। दूसरी कंडीशन ये थी हमें जो मिलना चाहिए उसमें कैल्शियम क्लोराइड भी होना चाहिए, ये भी हो गया। हमें पता था कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक था कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा था कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हमने कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कहा था ना कौन सा मेटल होना चाहिए, तो वो मेटल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हमारा मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा जो ए पूछ रहा था वो ए कंपाउंड कौन सा है, तो कंपाउंड कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक चीज। दूसरी चीज, हम इसकी बैलेंस इक्वेशन भी लिखनी है। देखिए हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, टू से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लोरीन हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, कैल्शियम बैलेंस्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हाँ अब सब बैलेंस हो गया, ये हमारी कंप्लीट आंसर, ठीक है। आप चाहें तो इसके साथ एक्सप्लेनेशन ऐड कर देंगे कि हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट सिर्फ इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आंसर आपके सामने लिखा है, आप चाहें तो आंसर को खुद से भी राइट कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए क्या दिया आंसर में,
द गैस दैट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ, वो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, विच इज फॉर्म्ड बाई द एक्शन ऑफ डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, हम मेटल कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर आपने सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों नहीं लिया था? क्योंकि प्रोडक्ट में कहा था ना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि उसमें कैल्शियम का होना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हमने दो च्वाइसेज ढूंढी, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे देखिए क्या दिया है। नाउ सिंस वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, इट शो दैट मेटल कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट, इट कैन नॉट बी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं हो सकता है, बिकॉज हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ओनली फाउंड ओनली इन सॉल्यूशन, इट इज टू अनस्टेबल टू एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। ये इतना अनस्टेबल होता है कि आप सॉलिड फॉर्म इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया था, ना कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दस द मेटल कंपाउंड ए इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बस ये हो गया। आपको क्या ध्यान रखना है, नई चीज आपको सीखने को मिली कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, जो कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्निंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, यानी अगर कोई चीज़ जल रहा है तो उसको बुझाने का काम करती है। चलिए इसका देखिए, वो भी दे रखा हमारे सामने, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ सेम है एकदम, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल्स। हाँ, अंडे की जो ऊपर वाली सेल होती है ना, उसको फोड़ के उसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, तो बताइए डैट गिव अ गैस डैट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। तो उससे जो एक गैस निकलती है वो लाइम वाटर यानी चूने वाले पानी को मिल्की कलर में बनाता है। तो बताइए वो सॉल्यूशन में क्या होगा, NaCl होगा, HCl होगा, लिथियम क्लोराइड होगा या पोटेशियम क्लोराइड होगा? बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों होगा? सामने आपके लिखा हुआ, देखिए द एग सेल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक्चुअली आप पढ़े ना बोन्स में, बायोलॉजी में बताया जाता है बोन्स किससे बनते हैं, कैल्शियम से। हाँ तो देखिए, जो हमारा जो सेल होता है, एग का सेल होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब बताइए जब कैल्शियम कार्बोनेट किस गैस से रिएक्ट करके मिल्की वाटर देता है, यानी कि वाटर का कलर कैसा हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है, मतलब दूध की तरह दिखने लगता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बताइए कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा? सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। अभी ऊपर हमने देखा भी था कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, देखिए ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हाँ डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तभी तो हमें कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसको मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये है हमारा आंसर HCl। एक बार फिर से देखिए क्या कर रहा है ये पूरा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझने में टाइम लगेगा क्योंकि ये NCERT क्वेश्चन है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए क्या है, कह रहा है कि एग सेल्स हैं आपके पास, ठीक है, अंडे की ऊपर वाली लेयर, वो भी क्रश यानी उसको फोड़ के पाउडर फॉर्म में बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि उसको किससे रिएक्ट कराएंगे, उस एग सेल जो है पाउडर फॉर्म में, उसको किस एसिड से रिएक्ट कराएंगे कि आने वाली जो गैस है वो गैस लाइम वाटर को मिल्की बनाती है। तो लाइम वाटर को मिल्की बनाने के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज किया जाता है, यानी कि वो ये कह रहा है कि आप कैल्शियम कार्बोनेट जो एग सेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको किस एसिड से रिएक्ट कराएंगे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिले, तो वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।